नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज की इस नई वीडियो में। इंटरनेशनल फ्लाइट से रिलेटेड नई अपडेट देने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सकें। दोस्तों, सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है, थाईलैंड ने रद्द की है अपनी सभी अंतर्राष्ट्रीय आवागमन 30 अप्रैल तक। दूसरी खबर निकल कर आ रही है कैनेडा से, जहाँ पर कि कैनेडा ने एयरलाइंस को फेस मास्क को मैंडेटरी करने का आदेश दिया है, यह पैसेंजर्स के हित में लिया गया है। और दोस्तों, अगली खबर सिंगापुर एयरलाइन से निकल कर आ रही है, जहां पर कि सिंगापुर एयरलाइन कर रही है लॉकडाउन के बाद की तैयारी, और बता दें कि इस वक्त जो मजबूत एयरलाइन है वो ही सर्वाइव कर पाएगी, और इसमें सिंगापुर एयरलाइन का नाम सबसे ऊपर आता है। अगली खबर भारत से निकल कर आ रही है, जहां पर कि मास टिकट कैंसिल करने के बाद भारतीय एयरलाइंस एयर एशिया, इंडिगो, गो एयर ने ऑफर किए क्रेडिट सेल्स, जिससे हुए यात्री परेशान। अगली खबर निकल कर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर कि पाकिस्तान अब चला रहा है दुबई से फैसलाबाद के लिए स्पेशल फ्लाइटें, और पहली बार में 200 पैसेंजर्स पहुंचेंगे पाकिस्तान। दोस्तों, अगली खबर फिलिपिन एयरलाइंस से निकल कर आ रही है, जहां पर कि फिलिपिन एयरलाइंस शुरू करेगी सऊदी अरबिया के लिए फ्लाइट्स, तो जो लोग भी यहां फंसे हुए हैं उनके लिए राहत की बात है। जकार्ता इंडोनेशिया से चलाई गई सऊदी के लिए स्पेशल फ्लाइट है, जिसमें कि 250 सऊदी पीपल को पहुंचाया गया घर। अगली खबर निकल कर आ रही है जजीरा एयरवेज से, जी हां दोस्तों, जजीरा एयरवेज ने शुरू करी है अपनी पहली कार्गो फ्लाइट, जो कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ऑपरेट की जाएगी। तो अगर आप लोग और डिटेल में जानना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ, जैसे जैसे नई नई अपडेट्स आएंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए इंडियन गुरु के साथ। इन वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, शब खैर, बाय।